हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के संबंध में बहुत पूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, लोक सेवा आयोग ने एक और रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी अब लोक सेवा आयोग के सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी करने में लग गया है, चाहे छोटी बड़ी रिजल्ट, कोई रिजल्ट हो, पुरानी भर्ती की हो, नई भर्ती को। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सिर्फ रिजल्ट ही जारी कर रहा है। विशेष अधीन शिक्षा सेवा का ये रिजल्ट है जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको राहुल YFIST चैनल के माध्यम से लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से मिलती रहे। चलिए देख लेते हैं खबर क्या है। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग रिजल्ट को लेकर के, अभी नोटिस रिलीज की गई है। रिजल्ट ऑफ एडवर्टाइज नंबर 2014 यानी 2014-15 की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, जब से एक नए अध्यक्ष प्रभात कुमार जी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो है आसीन हुए हैं, तब से रिजल्ट को लेकर के या फिर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के पुराने भर्ती खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। तो आप देखते हैं इसी प्रकार से एक और पुरानी भर्ती 2014-15 की जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लेक्चरर हिंदी को लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी नोटिस हम लोग डाउनलोड करते हैं, रीड करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर नोटिस है, आप देख सकते हैं स्पेशल जो है महिला गर्ल्स के लिए है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 30 जून 2020 सूचना। सर्वसाधारण को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा महिला संवर्ग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हिंदी लेक्चरर हिंदी विज्ञापन संख्या 4/2014-15 विभाग संख्या 4/15 के रिक्त 23 पद, 1 पद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, 9 पद उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा और 13 पद अनारक्षित तथा 36 अक्षर के 2 और उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भर्तियों जिनमें 1 पद दृष्टिहीन और 1 पद श्रवण हास पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार दिनांक 24 और 25 जून 2020 को संपन्न हुआ और साक्षात्कार के बाद माननीय आयोग ने निम्नलिखित श्रेष्ठता क्रम में भर्तियों को उपयुक्त पाते हुए नियुक्ति हेतु मुख्य सूची के अंतर्गत संतुष्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ है, उन भाग्यशालियों के नाम आप देख सकते हैं जिनका चयन हुआ है 4 से 6 साल के बाद। आप देख सकते हैं अर्चना सिंह यादव, पहला नाम है अर्चना सिंह यादव का, रोल नंबर आप देखते हैं 15-0-335। श्रेणी क्या है इनका, अनारक्षित OBC और बंधिक है ना। प्रेमलता जी 15-28-83 इनका रोल नंबर है, अनुक्रमांक है 1, वो भाग्यशाली हैं प्रेमलता जी। उसी प्रकार से आगे भी नाम दे सकते हैं, अनारक्षित श्रेणी से हैं सब लोग, चयन हुआ है इन लोगों का, अनारक्षित श्रेणी में ही चुका है तो ये OBC और लेकिन अनारक्षित इनका चयन हुआ है। उसी प्रकार से शशि मिश्रा, रश्मि मिश्रा, श्वेता सिंह, संगीता मौर्य, किशोर जहां, कुमारी सुषमा यादव, सुनीता देवी यादव, दीना देवी कुमार, ज्ञान कुमार अनारक्षित श्रेणी से, शिखा यादव, अंजलि सिंह, ममता यादव, उषा देवी, शैली सिंह, गीता यादव, वर्षा यादव, अलका वर्मा, राखी देवी, कुमारी बबता यादव, सुंदर देवी SC कैटेगरी से। तो आप देख सकते हैं 36 अक्षर के अंतर्गत भी चयन हुआ है लोगों का। ओम प्रकाश मिश्र उप सचिव, यानी बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस ये रिलीज की गई है। उन 23 भाग्यशालियों के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो सीधी भर्ती तहत 2014-15 विज्ञापन संख्या 4 के संबंध में रिजल्ट जारी कर दिया गया है माननीय जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी आप लोगों के लिए, उन गर्ल्स के लिए जिनका इसमें नाम है, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं चैनल के माध्यम से। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, काश इसी प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी रंग में आता तो कहीं बात कुछ और ही होती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नई पुरानी लगभग, जैसा कि आपको लोग पता होगा, अभी भी 22 से 23 भर्तियाँ फंसी हुई हैं, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक रिजल्ट जारी करता उसके बाद सो जाता है। तो इस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयनों के कार्य भी अगर किए जाते तो निश्चित तौर पर छात्रों में एक विश्वास पैदा होता जो अधीनस्थ सेवा चयनों की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर भी जब जागे तभी सवेरा, देखा जाएगा समय कब क्या होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ आप तक राहुल YFIST चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा रही है, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन UPSC UPSC बैंक रेलवे ETC। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।